हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 4 से बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन पर। इन क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मॉड्यूल 4 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस किया था। अब आगे ये जो तीसरा और आखिरी पार्ट है, आखिरी वीडियो है, इसमें हम 33 यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पाथ का मान बताइए। यहाँ जो चार रेजिस्टर है वो सीरीज़ में जोड़े गए हैं। R1 100 ओम है, R2 200 ओम है, R3 300 ओम है एंड R4 जो है वो 400 ओम है। तो हमें निकालना है R2 यानी इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप यानी कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है I × R, भी बराबर I × R है। तो यहाँ तो वोल्टेज का मान ऑलरेडी दिया हुआ है 50 वोल्ट, ठीक है, लेकिन और R का भी मान दिया हुआ है लेकिन I का मान नहीं दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले I का मान निकालना होगा, तभी हम इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकाल पाएंगे। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए हमें I चाहिए। I के लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फिर हम I = V/R, जब टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा और V हमारे पास है तब हमारा I निकलेगा। तो थोड़ा सा लंबा जाएगा वोल्टेज ड्रॉप को निकालने के लिए। इस I को पाने के लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर I निकालेंगे और फिर बाद में पुट करके हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, चूँकि ये सीरीज़ में है तो हम सभी को जोड़ देंगे। तो 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 कितना हुआ, टोटल 1000 ओम आया, यानी RT बराबर 1000 ओम है, ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, करंट का मान निकालेंगे। I = V/R होता है, ठीक। अब I जब निकालेंगे, V कितना दिया हुआ है 50, रेजिस्टेंस का मान निकल गया 1000, ठीक है। एक शून्य कट गया और 5 10 0 यानी 1/20 एम्पियर, ठीक है। हम इसमें पॉइंट भी निकाल सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा 0.05 एम्पियर, लेकिन हम पॉइंट में नहीं रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। 1/20 एम्पियर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, R2 पर वोल्टेज ड्रॉप। I हमें मिल चुका है, R का मान भी दिया हुआ है, तो हम सीधे सीधे इस जो फॉर्मूला है इस पे हम पुट कर देंगे। I का मान कितना है 1/20, R का मान कितना है 200, एक शून्य कट गया और दो एकम दो यानी 2 दहाई 20। तो जो R2 का मान है, R2 में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यानी V2, मान लेते हैं V2, तो V2 कितना निकल गया, V2 का मान निकल गया 10 वोल्ट। मान लेते हैं ये V2, इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, V2 पर क्या हो गया 10 वोल्ट। कैसे आ गया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। तो V2 निकल गया 10 वोल्ट। 10 वोल्ट कहाँ है, ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 10 वोल्ट। अगला सवाल है, परिपथ, ये जो परिपथ, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। इसी से मिलता जुलता एक प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, पर हम इसके ऑप्शन पे देखेंगे कि सीरीज सर्किट का क्या यूज़ है। तो एमिटर में शंट रेजिस्टेंस में तो नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम में भी नहीं है, वोल्ट मीटर कनेक्शन में भी नहीं होता है इसका यूज़। जैसे सर्किट जो होता है, फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर को हम सीरीज़ में ही जोड़ते हैं, तो उस सेंस में लिया गया है, ठीक है, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फ्यूज़ इन सर्किट,
सीरीज सर्किट का, यहाँ पे इस ऑप्शन में ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग 1 ohm to 100 kilo ohm रेंज रेजिस्टेंस, यानी 1 ohm से 100 kilo ohm तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड में मेथड से हम 1 ohm से 100 ohm तक को मेज़र कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट जो होता है वो ओम मीटर होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, यानी प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान क्या है। यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसको हमें निकालना है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ है, 4 बैंड भी दिया हुआ है, कलर कोडिंग से हमें निकालना है। पहला ऑरेंज है, दूसरा ऑरेंज, तीसरा रेड और चौथा सिल्वर है। तो शॉर्टकट ट्रिक अगर हम अपनाएंगे, जैसे पिछली बार बताया था मैंने कि सिल्वर का जो टॉलरेंस है वो कितना होता है, प्लस माइनस 10 होता है। तो 10 किस में है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। तो यानी कि या तो ऑप्शन बी आंसर होगा या तो डी होगा, ए और सी कभी नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस 5 उसमें दिया हुआ है और प्लस माइनस 5 सिल्वर का होता है। तो हम स्टार्टिंग से देख लेंगे, ऑरेंज वीवी रॉय, ये जो ट्रिक है आप लोग याद कर सकते हैं, वीवी रॉय। ऑरेंज कितना में आता है, तो 3 में आता है, ठीक है। तो पहला अंक कितना हो जाएगा, 3। अगेन ऑरेंज है तो दोबारा 3 हो जाएगा। उसके बाद रेड है, तो रेड मल्टीप्लायर है, तो रेड कितने में आ रहा है, 2 में, यानी 10 to the power 2, ठीक है, 10 to the power 2, प्लस माइनस 10%। तो ये ऑप्शन किस में दिया हुआ, ऑप्शन इसमें बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जब 10 square से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द शंट रेजिस्टर R2 यूज्ड इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट, यानी श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन अगेन कि श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। यहाँ जो ये R2 दिया गया है, एक वेरिएबल रेजिस्टर, इस वेरिएबल रेजिस्टर का क्या उपयोग है, यही इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये जो R2 है, ये मीटर प्रतिरोध जो मीटर लगा हुआ है, ओम मीटर, जो वेरिएबल रेजिस्टर है R2, ये एडजस्ट करता है पॉइंटर को 0 पोजीशन पे, यानी संकेतक की जो, यानी पॉइंटर है संकेतक, जिसको हिंदी में कहते हैं, कि जो 0 पोजीशन है उसको एडजस्ट करता है। इसका यही काम है ये R2, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में ऑप्शन सी में है राइट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एडजस्ट द 0 पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, संकेतक की सुनिश्चिति को समंजित करना, यानी एडजस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इफेक्ट्स द हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर, यानी कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले पे आते हैं, हीट जो उत्पन्न होता है उसका जो फॉर्मूला है स्क्वायर RT, ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो करंट का स्क्वायर है, ये विद्युतीय राशि, ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ये प्रभावित करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी धारा का वर्ग। अगला सवाल है,
कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर आर फोर इन द सर्किट। परिपथ में प्रतिरोधक आर फोर पर वोल्टेज पाथ की गणना करना है। ठीक है, सिंपल है सर्किट, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। आर फोर पर जो है वोल्टेज ड्रॉप को निकालना है। ठीक है, ये आर वन है, आर टू, आर थ्री, आर फोर, तो इसी पर हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट का मान निकालेंगे, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर का मान तो दिया हुआ है, आई का मान नहीं दिया हुआ है, तो हमें आई निकालना होगा। आई कैसे निकलेगा, तो हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब आई निकलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। आर टू और आर थ्री पैरेलल कनेक्टेड है, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 40 और 60 है, तो 40 इंटू 60 अपॉन दोनों का ऐड करेंगे तो 100 आएगा, दो शून्य कट यानी 24 ओम आ गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई यानी कि सॉल्व किए तो अब इसका मान दिया हुआ है 36 ओम, इसका मान दिया हुआ है 50 ओम, तो 36 और 50 तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा 110 ओम। ठीक है, यानी आर टी का मान कितना निकल गया, 110 ओम। तो आई हम निकाल लेंगे भी अपॉन आर, भी कितना है 220, आई है 110, दो से कट जाएगा यानी आई आ गया 2 एम्पियर। अब हम निकालेंगे आर फोर पर वोल्टेज ड्रॉप। आर फोर पर वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं वी फोर है, तो आई इंटू आर, आई का मान कितना निकला 2, आर का मान कितना है 50, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 100 वोल्ट, यानी कि आर फोर पर वोल्टेज ड्रॉप होगा 100 वोल्ट, यानी वी फोर कितना निकल गया 100 वोल्ट। 100 वोल्ट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 100 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर यानी एलडीआर इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ इंक्रीज्ड। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, तो अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाएगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस क्या होगा, वो घट जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए डीसी सर्किट। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस भी किए थे कि पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई। डीसी सर्किट के लिए, एसी के लिए हो जाएगा वी इंटू आई इंटू कॉस फाई, तो यहाँ डीसी के लिए पूछा जा रहा है, तो पी बराबर वी इंटू आई, वी बराबर वी यानी कि वोल्टेज, आई यानी कि करेंट। ठीक है, तो ऑप्शन जो वोल्टेज एंड करंट है दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर निकल जाएगा डीसी सर्किट में, तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, करंट एंड वोल्टेज। यहाँ मैंने वोल्टेज को पहले लिखा फिर करंट को, यहाँ पे करंट पहले वोल्टेज, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, दोनों को गुना ही करना है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैम्प, यानी 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैम्प के गर्म प्रतिरोध की गणना करना है। तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है, मैंने बताया था पी बराबर वी स्क्वायर आर होता है, तो पी का मान दिया हुआ है, वी का भी मान दिया हुआ है, हमें निकालना है आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितना है 250 गुने 250, इसका स्क्वायर करेंगे, और पी कितना है 200 वाट, दो शून्य कट गया। ठीक है, दो शून्य कटने के बाद 625 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 625/2, 625 को 2 से जब भाग देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 312.5 ओम होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 312.5 ओम। अगले सवाल पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट? एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? कोई भी ओपन सर्किट हो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, यानी रेजिस्टेंस का मान इन्फिनिटी ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन्फिनिटी यानी अनंत। ठीक है, इतना मान कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, अनंत। खुले सर्किट में रेजिस्टेंस का मान अनंत होता है और उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेजिस्टर द लोएस्ट करंट फ्लो इन अ पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यूज ऑफ 50 ओम टू 20 ओम, 450 ओम एंड 560 ओम कनेक्टेड विद सप्लाई? समांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा? तो यहाँ पे जो चार रेजिस्टर का मान दिया हुआ है, चारों पैरेलली कनेक्टेड है और सेम सप्लाई जा रही है, तो बताना है कि किस वाले रेजिस्टर पे सबसे कम करंट फ्लो होगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। मान लेते कोई सप्लाई जो वोल्टेज है, मान लीजिएगा 50 वोल्ट या 100 वोल्ट या 250 वोल्ट, कुछ भी एक मान सकते हैं। उसके बाद आप जब निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस रेजिस्टर का मान सबसे अधिक है, ठीक है, उसमें करंट का मान, फ्लो ऑफ करंट का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा मान किसका है? सबसे ज़्यादा अधिक मान 560 ओम है, तो ऑब्वियसली इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि बताया भी जाता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को अपोज करता है, अपोज जो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो करंट का मान भी कम ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ अ कॉपर कंडक्टर? ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। कॉपर कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मान होता है 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है। विच इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर? यानी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? चालक के प्रतिरोध, तो रेजिस्टेंस, चालक का जैसे चालक की प्रॉपर्टीज़ है, हर एक चालक में ये पाया जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही है। तो रेजिस्टेंस जो होता है, मैंने बताया था, दो तीन क्वेश्चन ऐसे आया था कैलकुलेशन जिसमें बताया गया था कि अगर हम डायमीटर बढ़ा दें या क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसमें मैंने बताया था, जिक्र किया था फॉर्मूले पर। इसमें रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक है, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी, लेंथ घटेगा रेजिस्टेंस घटेगा। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कोई भी कंडक्टर के, उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब ये है कि ये जो आर है, ये जो आर है, अगर ए हमारा, ए यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए अगर बढ़ रहा है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो घटेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल जो है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घटेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इसके ऑपोजिट काम करता, उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सवाल में भी यही पूछा जा रहा है कि विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो यहाँ मैंने बताया किसके अनुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ अगर पूछा जाता है कि समानुपाती, तो लंबाई यानी लेंथ के समानुपाती होता है। तो इस सवाल में पूछा जा रहा है व्युत्क्रमानुपाती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स, मॉड्यूल 4 में 48 तक ही क्वेश्चन था, ऑलरेडी 48 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, यानी ये मॉड्यूल समाप्त हो चुके हैं। अगले वीडियो में मॉड्यूल 5 से हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि मॉड्यूल 4 के जितने भी सारे क्वेश्चन थे आपको समझ आ गए होंगे, और आप आशा करते हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगी।
तो इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।